दरभंगा जिला से दुखद खबर आ रही है, जहां पर दरभंगा के मब्बी ओपी क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई है। बताया जा रहा है कि युवक के तालाब में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला ली गई है और ये देख सकते हैं टीम युवक को खोजने में जुट गई है। अभी तक कोई भी पता नहीं चला है युवक का और आखिरकार एनडीआरएफ को सफलता भी नहीं मिली है। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसो पूर्वी गाँव में एक 25 वर्षीय युवक की पोखरे में डूब जाने से मौत हो जाने की आशंका जताई जा रही है। पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक पोखर में डूबा हुआ है, उसका नाम लक्ष्मण कुमार है। शाम 7:30 बजे कल से पोखरे में कूद गया था। आखिर पोखर में क्यों कूदा, इसका कारण तो अभी तक नहीं पता चल पाया है। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों ने मब्बी थाना एवं एनडीआरएफ की टीम को दिया। एनडीआरएफ की टीम युवक के शव को खोजने में जुट गई है। चारों तरफ जो खासकर ये डबरा है पोखर नुमा देख सकते हैं, जहां पर सिर्फ जलकुंभी ही दिखाई दे रहा है। खोजने में भी काफी समय लग रहा है क्योंकि जलकुंभी के नीचे दबे होने के कारण हो सकता है खोजने में समय लग रहा हो। आपको बता दें कि इस मौके पर सुरेश झा हैं पूर्व मुखिया, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। लेकिन काफी दुखद खबर आपको बता दें, ये क्षेत्र जो है काफी देख सकते हैं जहां पर भीषण जो खासकर बरसात हुई है, भारी बरसात हुई है, जिस वजह से सभी गड्ढा हो या तालाब हो इस वक्त भरा हुआ है। ऐसे में किसी का गिर जाना, किसी का डूब जाना, किसी का कूद जाना, ऐसे में बचने की भी संभावना कम होती है। अब देखने की बात है कि युवक का शव कितने दिनों के बाद या कितने देर के बाद मिलती है, लेकिन ये काफी दुखदायक खबर है जो सामने आ रही है। और वो शाम में 7:30 बजे कहीं दूसरी जगह से घूम करके आते हुए घर जा रहा है। पानी अत्यधिक होने के कारण कुम्हा जो डीप और रास्ते का पते नहीं चला, उसने स्लिप किया और वो नीचे चला गया। कब की घटना है ये? कल शाम 7:30 बजे की। क्या लग रहा है अभी तक? अभी तक तो हम लोग कल्हे से लगे हुए हैं और अभी तक तो कोई उठा पता नहीं चला। एनडीआरएफ अभी आया हुआ है, काम कर रहा है, अब सब आदमी लगे हुए हैं। देखिए क्या मतलब अभी कितना देर हो गया अभी तक, क्या मतलब? लगभग 12 घंटा तो प्लस हो गया, 12 घंटा ओवर है और अभी तक तो मशक्कत किया जा रहा है। क्या अनुमान लग रहा है? मिलेगा तो ही, क्योंकि डूबा है तो मिलेगा ही, लेकिन अभी तक तो लोग नाकाम है। मैं कहिए कि ये कौन सा जगह है, यहाँ देखे हैं कि पुलिस पदाधिकारी हैं, एनडीआरएफ की टीम, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ है यहाँ? ये हमारे पड़ोस के जो पंचायत सीसो पूर्वी है, सीसो डी पंचायत के एक लक्ष्मण कुमार थे, जो रात में जा रहे थे, पानी का जो बहाव मतलब कि वर्षा के बाद ज़्यादा चौड़ा हो गया था, रोड और पोखर एक हो गया था, जिसके कारण जाते समय में उन्हें पता नहीं चला, रोड मतलब कि पैर स्लिप होकर के ये पोखर में चले गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग को पता चला, बगल में ही मेरा उस पार में पंचायत है, हम लोग रात से ही यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम लोग रात में प्रयास किए और रात में नहीं निकल सका, फिर अगले सुबह से एनडीआरएफ की टीम अपना लगी हुई है उसको ढूंढने में। ये एनडीआरएफ की टीम कहाँ से आई है? ये दरभंगा से हम लोगों ने सूचना दिया था और वीडियो साहब सीओ साहब के माध्यम से यहाँ पहुँची है और अपना प्रयास कर रही है, अभी तक तो शव नहीं मिला है। अच्छा बताइए कि पूरा ये तालाब जो है वो जलकुंभी से भरा हुआ है, क्या इसकी सफाई नहीं होती है? सफाई तो अभी तक तो नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ जलकुंभी लगा हुआ है। और आपके भी चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि ऐसा ऐसा जो जिला में जो भी तालाब है जो आबादी के बीच में है, उसे अविलंब इस घटना को देखते हुए उसे साफ कराएँ, ताकि ऐसे परेशानी का सामना न करना पाए ग्रामीणों को भी और प्रशासन को भी मुशक्कत ना हो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मतलूब आलम खान और फरमान खान, सीसो पश्चिमी सरपंच। सर क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी मिला कि कल शाम को कोई डूब के मर गया है, तो हम लोग खबर किए सीओ और बीडीओ साहब को, उनके मार्फत से इंडिया टीम भेजी गई है और काम जारी है। अपना परिचय दे दीजिए। हम सब इंस्पेक्टर गोविंद प्रसाद, मगी थाना जी। ये कौन सा जगह है, यहाँ किस चीज़ की आप लोग तलाश कर रहे हैं? देखिए मैं इंस्पेक्टर मनोज कुमार, 9 NDRF बीटा पटना से हूँ। मेरी एक टीम दरभंगा में अभी डिप्लाई है, फ्री मानसून डिप्लाई में। जैसा कि कल शाम में यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है, जो लक्ष्मण चौपाल पिता हीरा लाल चौपाल का पुत्र है, जो इस पानी में डूब चुका है, इसके सूचना जैसे ही मिली है सुबह हमारी टीम यहाँ आ चुकी है और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है इसको निकालने के लिए, ताकि उस व्यक्ति का
पार्थिव शरीर हो या जीवित, जीवित तो होने की अभी कम संभावना, चूँकि शाम का डूबा हुआ है, किसी तरह उसके जो पार्थिव शरीर को बाहर निकालने का पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। इंस्पेक्टर मनोज कुमार, 9 NDRF ईटा पटना। पंचायत में घटना घटी है जी, जो कल जो हमको सूचना मिला लगभग 7 बजे कि एक लड़का लक्ष्मण कुमार चौपाल जो है, उसका पिता हिया लाल चौपाल, जो इस रास्ते से जा रहा था, जल जमाव के कारण उसका पैर फिसल गया, तालाब में वो गिर गया। जो कुंभी भरा हुआ है, पूरा कुंभी से लगभग जो है ये 10 साल से लगभग ये स्थिति में है तालाब, जिसको सरकार पट्टा देती है तालाब के लिए, वो देख रेख भी नहीं करता है। और ये कुंभी से कारण जो है वो हम लोग को इतना परेशानी हुआ है रात में, कि रात से हम लोग 7 बजे से लेके पूरा रात में पूरा कुंभी साफ करा के फिर थाना को सूचना दिए, थाना के माध्यम से NDRF टीम आई यहाँ, वहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीणों को से प्रयास से भी हो रहा है कि सबको निकाला जाए। अभी तक निकाला नहीं गया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा निकालने का, क्योंकि सब सहयोग है, पूरा ग्रामीण का सहयोग है, NDRF की टीम जो सुबह से लगी हुई है कि हाँ इसको निकाला जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है कि तालाब में जो जल जमाव जो हो रहा है पानी का, जो जलकुंभी है, सरकार जिसको पट्टा देती है वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे सरकार को कुछ टैक्स देकर छोड़ देता है तालाब को, उसको देख रेख भी नहीं करता है। मेन समस्या तो यहाँ ये हो रहा है कि तालाब को देख रेख करना पट्टा से मतलब रखता है पट्टीदार सब, और यहाँ जो तालाब में जो जलकुंभी जो देख रहे हैं पूरा, ये लगभग 10 बरस से है, जिसमें गंदगी का पानी से आए दिन जो महामारी भी होता है। आप जनप्रतिनिधि है, आपका भी दायित्व बनता है कि इसको लेके सरकार को आगाह करें या प्रशासन को लिखें या अपने स्तर से भी आप इसके लिए पहल करें। जी, हम लोग ने पहल किया था जी, पहले भी पहल किया था, कुछ दिन पहले इसको पानी को सुखा के इसको जीर्णोद्धार के लिए जो है पूरा एस्टिमेट बन चुका था, लेकिन बारिश आ गया, इसमें फिर पानी भर गया, जिसके कारण जो है अभी तक ये इसी स्थिति में है। अब क्या करेंगे इसके लिए, जो समस्या उत्पन्न हो गई है? ये समस्या जो उत्पन्न हो गया, अभी सबको फिलहाल तो सबको निकाला जाए, जो जिसका जो बच्चा डूबा है उसको सरकार से आग्रह है कि उसका अनुदान जो राशि होती है बाढ़ का उसको देने का कृपा करेगा। अपना परिचय दे दीजिए। हम सरपंच राम बाबू दास, सिसोपुरी पंचायत सदर ब्लॉक दरभंगा। ऑक्सीजन के नहीं केना मिलते, वो तो मिलवे करते हाँ, नहीं कॉली ब्लास्ट होता तो हम चाहिए। कम में पानी दही जंगल में नहीं गेले रात से कछु उन्नी है जान रहो मास्क ध्यान देने मिला पजरे था पजरे था पजरे लगा।